रीवा में नल जल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में लग रहे नलों पर मनमानी तरीके से ठेकेदार शासन को लगा रहे चूना। सगरा में नल जल योजना का कार्य करवा रहे ठेकेदार के द्वारा नल फिटिंग तो करा दिया गया, लेकिन पाइपलाइन का काम नहीं किया गया। वहीं सीमेंट का लेप लगाकर चबूतरा बना दिया गया है, लेकिन अंडरग्राउंड पाइप नहीं डाली गई है। वहीं नल जल योजना के नाम पर सिर्फ ढांचा खड़ा कर दिया गया है, और जब मेन पाइपलाइन से नल को जोड़ा ही नहीं गया तो आखिर घर घर नल जल योजना के तहत लोगों को पानी कैसे मिल पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। आइए सुनाते हैं क्या कहा मीडिया से ग्रामीणों ने। नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा, आप देख रहे हैं HBN न्यूज चैनल। मैं अभी पहुंचा हूं रीवा जिले के सगरा ग्राम पंचायत का एक ये सगरा गांव है। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जो नल जल योजना है। नल जल योजना में हर घर हर कनेक्शन होना चाहिए, और यहाँ से ग्रामीणों का आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सभी लिए गए हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इस ग्राम पंचायत सगरा के वार्ड क्रमांक एक में, जो कि यहाँ ठेकेदारों द्वारा काम किया गया है, और ठेकेदारों के द्वारा पाइपलाइन तो बिछा दी गई है। आप ये रास्ता देख रहे हैं, उस साइड से पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन ये जो नल कनेक्शन किए गए हैं, आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि इधर दिखाए, ये नल लगाए गए हैं, लेकिन इस नल पर आपको दिखाई दे रहा है, इधर दिखाइए कैमरामैन, ये नल लगे हुए हैं, लेकिन इसमें क्रॉसिंग पाइप नहीं लगाई गई है। उस पार से इस पार पाइप होना चाहिए, तभी तो पानी आएगा उस पार से इस पार। लेकिन इन नलों में शासन को चूना लगाने के लिए यहाँ के ठेकेदारों ने पूरी तरह से फोटो खाली इनका लिया गया है कि पैसा पास हो जाए, लेकिन इन नलों पे आप देख सकते हैं खाली ये सीमेंट का लेवा लगा के और लोहे की ये सरिया लगा के खड़ा कर दिया गया है, और इस क्रॉसिंग में इस पाइप में वहाँ से यहाँ पाइप नहीं आई है। आप देख सकते हैं पूरा ये नज़ारा, ये सगरा वार्ड क्रमांक एक मैट टोला का नज़ारा है। HBN न्यूज चैनल से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। ये खड़े होने के लिए बनाया गया है, नल क्या इसके लिए खड़े कि आप हाँ? पैर रखते ये पानी के लिए नहीं बनाया गया, जब कनेक्शन ही नहीं है तो पानी कहाँ से मिलेगा? तो कमी है, ये सरकार की कमी है, ठेकेदार की। नाम दीप कुमार गुप्ता है। ये कौन सा गांव है, कौन सा वार्ड? ये वार्ड नंबर 12 है, ग्राम पंचायत सगरा है। ये जो नल है यहाँ चेम्बर बना दिया गया है, पाइप मेन कनेक्शन से पाइप नहीं डाली गई है, और ना तो पानी आता है। इसी नल की वजह से मेरी नाली भी फूट गई है, दे जो सामने दिख रही है। ये कनेक्शन 15 दिन पहले हुआ, भ्रष्टाचारी लोग कनेक्शन करके चले गए, ना तो पाइप का पता है, ना नाली का पता है, ना किसी का पता है। हमारी पाइप भी फूट गई, अब कहते हैं कि अपने पैसे से इसको बनवाओ। ये जो नल जल योजना वाले ठेकेदार लोग आते हैं, कर्मचारी उनके आते हैं। कौन है ठेकेदार आपको? ठेकेदार का नाम नहीं मालूम भैया, जब नल जल योजना की गाड़ी आती तभी पता चलता है कि नल जल योजना के लोग ही आए हैं। क्या ये पूरे ग्राम पंचायत में ऐसे ही चलता? पूरे ग्राम पंचायत में ऐसा भ्रष्टाचार है, सर्वे करके देख लीजिए। कुल मिलाकर क्या कहा जाए कि ढांचा बना दिया गया, पाइप नहीं? बस ढांचा ही, जहाँ जहाँ दिखेगा आपको ढांचा ही दिखेगा, पानी तो कहीं दिखेगा ही नहीं। जब कनेक्शन है ही नहीं तो पानी कहाँ दिखेगा? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कनेक्शन करा के पानी उपलब्ध कराए। जो मोदी सरकार की योजना है नल जल योजना, हर घर घर पानी पहुंचे, ढांचा तो बना दिया गया है, जब कनेक्शन करेंगे तब ना पानी पहुंचेगा। क्या नाम है? मेरा नाम दीप कुमार गुप्ता है, ग्राम पंचायत सगरा वार्ड नंबर 12। मेवालाल विश्वकर्मा। कौन सा गांव है, कौन सी पंचायत? ये सगरा है, ये ग्राम पंचायत सगरा है, वार्ड नंबर एक है। ये आपके यहाँ पे अभी नल लगाया गया है, नल जल योजना का आपके घर के पास कनेक्शन हुआ होगा जी, आपको मालूम है ना? जी जी जी। तो इसमें आपका आधार कार्ड वगैरह कुछ लगा है? सब जमा समग्र आईडी, आधार कार्ड है वो। तो इस नल में अभी क्या समस्या आ रही है, ये नल जल योजना का योजना इसमें इसका नल लगा दिए हैं, पाइप वाइप के कनेक्शन कुछ नहीं किए हैं, 2-2.5 महीना हो गया। कब लगाया गया था ये? 2-2.5 महीना हो गया। किसके माध्यम से लगाए थे, कौन लगाए थे? ये ठेकेदार बोले कि हम ठेकेदार हैं, ये सबके लगाए, हमारे यहाँ पर छोड़ दिए। क्यों छोड़े? बोले कि कल लगाते हैं, आज लगाते हैं, यही कर करके तड़का देते हैं। ये चबूतरा नल फिट कर दिया गया है, लेकिन उसका पानी का कनेक्शन पानी वाली पाइप इस पे नहीं लगाई गई। पानी वाली पाइप नहीं जुड़ी है, अभी नहीं लगाए, फिट किए। क्या समस्या होती है इसमें? समस्या यही है कि न पानी आता है, न कुछ होता है, और इसमें कनेक्शन है, जब पाइप नहीं क्रॉसिंग करके फिट किए हैं गड्ढे में, तो कहाँ से इसमें आएगा पानी? ये सरकार को मतलब ऐसे ही ठेकेदार लगा के गए हैं और इसमें पाइप नहीं लगाए? पाइप नहीं लगाना चाहते हैं? जी जी जी। तो पाइप नहीं लगाए हैं तो पानी तो अभी नहीं आता होगा?
पानी नहीं आता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने की कहीं कि मतलब पानी नहीं आ हो गया है। जैसे ठेकेदार लोग जो ये लगाए हैं तो उनसे दो चार बार कहते हैं तो बोलते हैं कि बस लगाते हैं कुछ नहीं करते हैं। ठेकेदार है कुछ नाम पता है? नाम तो हमको नहीं मालूम है उनका। क्या नाम है आपका? मेवालाल विश्वकर्मा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।